नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ शिवानी शुक्ला। खबर लखनऊ गोमती नगर से है। पुरानी रंजिश को लेकर हुआ विवाद, पीड़ित दर दर भटक रहा, पुलिस नहीं कर रही सुनवाई। मामला गोमती नगर थाने का है। बीते 30 अगस्त को दोस्तों के साथ पार्टी में शामिल हुए अमित और वीरू दोनों एक ही मोहल्ले के निवासी हैं। पार्टी में अमित और वीरू के बीच कहासुनी हुई। पार्टी खत्म होने के बाद अमित वहां से अपनी बाइक लेकर कृष्णा के साथ घर के लिए निकला। कुछ ही दूर पहुंचा था कि पीछे से आ रहे वीरू ने अपनी वैन से बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे अमित और कृष्णा पूरी तरह से घायल हो गए। वीरू वहां से फरार हो गया। अमित ने अपने परिजनों को जानकारी दी, जिससे परिजन वहां पहुंचकर उन दोनों का इलाज करवाया। जब तक अमित के परिजन उनका अस्पताल में इलाज करवाते, उसी वक्त वीरू अपने कपड़े फाड़कर और दीवार पर सर पटक कर थाने में अपनी FIR दर्ज करवा दी, जिसके बाद वीरू अमित को लगातार जान से मारने की धमकी दे रहा है और मोहल्ले में चिल्ला चिल्ला कर बोलता है कि मैंने पुलिस को 20,000 रुपये दिए हैं, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है। पीड़ित दर दर भटक रहा है, जिसकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। पीड़ित परिवार ने मीडिया के सामने अपना दर्द बयां किया। लखनऊ ब्यूरो चीफ आकाश प्रजापति की रिपोर्ट। पुलिस इनकी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, वहां पे इन लोगों का क्या, उन लोगों ने थाने में कुछ पैसे वैसे जमा किए हैं? उन्होंने कहा था ना 20,000 रुपया जमा किए हैं, मेरा कुछ नहीं कर पाओगे, तुम चाहे जितना दौड़ोगे कुछ नहीं कर पाओगे। इनका आरोप है कि वीरू के परिवार ने और वीरू ने थाने में 20,000 रुपया जमा किए, जिसके बाद से जिसका मतलब जिसके हौसले बुलंद है और वो कभी भी किसी भी टाइम इनको जान से मारने की धमकी देते हैं। क्या पुलिस इसके आगे कार्रवाई करेगी? धन्यवाद। इसको मैं बोल रहा हूं उसके लिए नमस्कार, मैं हूं आकाश। मामला गोमती नगर लखनऊ का है, जहां पर एक पार्टी को लेके विवाद हो गया और विपक्षी पार्टी ने पार्टी से वापस आ रहे दो लोगों को वैन से जबरदस्ती टक्कर मारी। आपका नाम क्या है? कृष्णा लोगी। कृष्णा राजपूत इनका नाम है और ये पार्टी में शामिल थे। इनके साथ एक और दोस्त था, तो जो दूसरी पार्टी का लड़का था जिसका नाम था वीरू, जिसने इनको जोरदार बाइक से टक्कर मारी। तो आप क्या, कैसे झगड़ा स्टार्ट हुआ? झगड़ा ये पहले का था और ये अब मारे हैं दोबारा मारे। ये बता रहे हैं ये झगड़ा पहले का था जिसको पार्टी के बाद अंजाम दिया गया है। आपकी थाने में कोई सुनवाई हुई? कोई सुनवाई नहीं हुई। बाइक से टक्कर मारने के बाद वो लोग वाइन से थे और जब ये लोग वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज करवाने गए चौकी के नियरेस्ट जो पास में चौकी थी उसके बाद वहाँ पे गए, तो पुलिस वालों ने कहा कि आप पहले जाइए इलाज करवाइए। जब तक ये लोग जाते वहाँ पे इलाज करवाने, उसी टाइम दूसरी पार्टी के लोग, जो वीरू था जिसने वैन से टक्कर मारी थी, उसने थाने में जाके अपने कपड़े फाड़ के और सर में दीवार में सर लड़ा के थाने में जाके अपनी रिपोर्ट दर्ज करवा दी। उसके बाद आपने आप गए तो आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं, मैं मार, जिसके बाद इनकी कोई थाने में सुनवाई नहीं हुई। इनका कहना है कि थाने में इनको पुलिस वालों ने पीटा भी। क्या सही है? सही जी, बिल्कुल सही है। ये इनका आरोप है पुलिस के ऊपर कि थाने में जाने के बाद पुलिस ने इनको पीटा भी। इनके कुछ परिवार वाले हैं जिनसे मैं पूछना चाहता हूँ, वो क्या बताते हैं? आंटी जी, आप कौन है इनकी? इनकी माँ है। इनसे कुछ पूछना चाहते हैं, झगड़ा कब से स्टार्ट था? सर ये झगड़ा साल भर स्टार्ट का ही, हमने रिपोर्ट नहीं लिखा है, इसके अंगूठे में काट लिया था, तभी भी चारों भाई मारने की धमकी दिए थे, अभी भी मारने की धमकी दिए थे। थाने में रिपोर्ट करने कल गए थे तो वो वीरू